श्रीदेवी की मौत के बाद उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर पहली बार सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई हैं। उन्होंने फैंस के नाम एक इमोशनल पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ ही एक लेटर शेयर करते हुए जानवी ने लिखा है, इस समय मेरे सीने में एक दर्द है और मुझे पता है कि मुझे इसके साथ कैसे जीना है। आपकी गैर मौजूदगी में भी मुझे आपके प्यार का एहसास होता है। मुझे हर समय लगता है कि आप हर दुख में मेरी रक्षा कर रही हैं। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे आपके साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। जानवी कपूर ने अपने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, अपने बर्थडे पर एक बात जो मैं आप सबसे कहती हूँ वो ये है कि अपने पेरेंट्स को प्यार करें, उन्हें समझें और उन्हें अपना प्यार महसूस कराने के लिए समर्पित हो जाएं। जानवी ने अपने लेटर में आगे लिखा है, मैं ये भी कहती हूँ कि आप मेरी माँ को प्यार से याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके प्रति प्यार बनाए रखें। याद रखें, मेरी माँ का सबसे बड़ा हिस्सा वो प्यार था जो वे पापा के साथ शेयर करती थी। उनका प्यार अनमोल था क्योंकि उनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। कोई भी उन दोनों जैसे एक दूसरे को समर्पित नहीं हो सकता। कृपया इस बात का सम्मान करें क्योंकि ये सोचकर भी तकलीफ होती है कि कोई उनके प्यार को मिटाने की कोशिश करेगा। मैंने और खुशी ने तो सिर्फ अपनी माँ को खोया है, लेकिन पापा ने अपनी जान को खो दिया है। एक एक्टर या एक माँ या एक पत्नी से भी बढ़कर वो बहुत कुछ थी। वे हर किरदार में सबसे अच्छी थी। उनके लिए प्यार देना और प्यार लेना ही मायने रखता था। आपको बता दें, 7 मार्च को 21 साल की हो रही जानवी की इन बातों से साफ पता चल रहा है कि उन्हें अपनी माँ श्रीदेवी को खोने का कितना गम है। मगर अपनी इन बातों से जानवी भी कहीं ना कहीं श्रीदेवी की तरह स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।